हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मीना सिंह। मेरे डिलीशियस फूड में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज मैं मटर पनीर की रेसिपी लेकर आई हूं, जो फ्रेंड्स देहाती तरीके से और रेस्टोरेंट स्टाइल बनाई हूं फ्रेंड्स। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी सब्जी बनी हुई है, और चलिए हम बनाना शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मटर पनीर बनाने के लिए यहाँ मैंने 3 टमाटर है जिसको मैंने स्लाइस चॉप कर लिया है फ्रेंड्स, और यहाँ मैं 4 प्याज है जिसको मैंने ऐसे लंबे साइज में कट कर लिया है, और यहाँ अदरक लहसुन है जिसको मैंने कूट लिया है फ्रेंड्स, और यहाँ 2 हरी मिर्च है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने पैन को रख दिया, इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो 1 चम्मच के करीब मैंने ऑयल को ऐड कर दिया है। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं प्याज को पहले हमको थोड़ा भूनना है, तो इसको हम ऐड कर देते हैं प्याज को इसमें, और इसको हम अच्छे से भून लेंगे ताकि थोड़ा सा इसका स्मेल जो है इसका ख़त्म हो जाए। इसलिए पहले हम प्याज को भून लेते हैं, तो इसको हम अच्छे से चला देते हैं। तो फ्रेंड्स, गैस का फ्लेम जो है हम हाई किए हैं, तो इसी में फ्रेंड्स जो लहसुन और अदरक कूट लिए हैं उसको हम इसमें ऐड कर देते हैं, और इसको भी हम भून लेते हैं। और यहाँ मैं 2 हरी मिर्च है फ्रेंड्स, इसको हम भून लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो प्याज है उसका कलर चेंज हो गया है, तो इसी दौरान हम डाल देते हैं इसमें टमाटर, और इसको भी हम अच्छे से भून लेते हैं ताकि इसका कच्चापन जो है निकल जाए। तो फ्रेंड्स, जो है ये टमाटर, प्याज और लहसुन अदरक अच्छे से जो है पक गया है, इसको हम बाहर निकाल के इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं ठंडा करके। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने जो प्याज और लहसुन और अदरक और टमाटर की यहाँ भून करके प्यूरी बना लिए फ्रेंड्स, इसको हम निकाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको ट्रांसफर कर देते हैं प्लेट में। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने प्यूरी तैयार कर ली है, जो मसाला है उसको तैयार कर ली फ्रेंड्स, और यहाँ मैं पनीर ली हूँ। ये पनीर जो है घर का बना हुआ पनीर है फ्रेंड्स, और यहाँ मैंने मटर है जिसको बॉयल कर लिया है, तो चल रहे हैं बनाने की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने पैन को रख दिया है और गैस के फ्लेम को भी ऑन कर दिया फ्रेंड्स। तो यहाँ हम ऑयल ऐड करते हैं, तो यहाँ मैं 3 चम्मच के करीब फ्रेंड्स ऑयल ऐड कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं जीरा है इसको ऐड करती हूँ फ्रेंड्स, और जीरा थोड़ा चटकने लगे। तो फ्रेंड्स, इसमें ध्यान देने योग्य बातें हैं फ्रेंड्स कि पहले इसमें हम लाल मिर्च को ऐड करेंगे। लाल मिर्च ऐड करने से इसमें जो कलर है बहुत अच्छा आएगा। तो इसमें हम एक काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है फ्रेंड्स, इसको ऐड कर देते हैं। 2 चम्मच के करीब मैं डाली हूँ फ्रेंड्स, और इसी में फ्रेंड्स मैं मसाले को डाल देती हूँ। और फ्रेंड्स, इसको हम अच्छे से भुनाई करेंगे। अभी हम कोई मसाला नहीं डालेंगे फ्रेंड्स, ना हल्दी डालेंगे। पहले इसको अच्छे से हम भूनेंगे ताकि जो है ऑयल इसमें से रिलीज होने लगे। तो फ्रेंड्स, गैस का जो फ्लेम है मैं हाई की हूँ, और इसको हम अच्छे से पहले भून लेते हैं। और फ्रेंड्स, ये मैं रेस्टोरेंट स्टाइल जो बना रही हूँ मटर पनीर, और देसी अंदाज में रेस्टोरेंट स्टाइल ये मटर पनीर बनाऊंगी फ्रेंड्स। बहुत ही टेस्टी लगेगा, वही स्वाद आएगा एकदम रेस्टोरेंट का। तो पहले हम इसको अच्छे से भून लेते हैं हाई फ्लेम पर, ताकि जो है इसका ऑयल है रिलीज होने लगे। तो फ्रेंड्स, इसमें नमक भी डाल देते हैं, और आप देख सकते हो फ्रेंड्स साइड साइड से ऑयल रिलीज हो रहा है। और जब हम इसमें नमक डालकर भूनेंगे तो और जल्दी भून जाएगा, तो इसको हम अच्छे से भून लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी में मैं 2 चम्मच के करीब
ये धनिया पाउडर डाल रही हूँ फ्रेंड्स, 1.5 चम्मच डाल रही हूँ इसमें धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर डाल रही हूँ इसमें। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और फ्रेंड्स आप देख सकते हो पहले से कितना कम हो गया है, जितने अच्छे से हम भुनाई करेंगे उतना ही अच्छी सब्जी बनेगी मटर पनीर की। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स पहले से कितना कम मसाला हो गया है और अच्छे से भून करके जो ऑयल है रिलीज हो रहा है धीरे धीरे। तो फ्रेंड्स यहाँ मसाला अच्छे से भुना गया है फ्रेंड्स, तो इसमें हम ये जो मटर है उसको और ये जो पनीर है इसको हम इसमें ऐड कर देते हैं और इसको हम मिक्स कर लेते हैं ताकि इसमें भी इसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसको हम मिक्स कर लिए हैं और इसको कम से कम 3-4 मिनट इसको हम ढक करके और इसको हम कुक कर लेते हैं। तो इसको हम ढक देते हैं ताकि अच्छे से कुक हो जाए और इसका फ्लेवर इसमें चला जाए। तो फ्रेंड्स चेक कर लेते हैं थोड़ा इसको। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो अच्छे से मसालों के साथ ये कुक हो गया है। तो इसमें हम पानी ऐड कर देते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स हम एक गर्म पानी ऐड कर रहे हैं। तो आपको जैसा ग्रेवी बनाना हो फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स थोड़ा सा और हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो फ्रेंड्स इसको हम पानी डाल करके इसको हम 5 मिनट कुक करेंगे। तो इसको ढक देते हैं। तो फ्रेंड्स 5 मिनट हो गया है और इसमें फ्रेंड्स थोड़ी सी धनिया की पत्ती इसमें ऐड कर देते हैं और ये देसी स्टाइल में रेस्टोरेंट स्टाइल मटर पनीर बनकर तैयार हो गया फ्रेंड्स और बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। तो फ्रेंड्स हम सर्व करके दिखाते हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कितना अच्छा बना हुआ है और देसी स्टाइल में रेस्टोरेंट स्टाइल बहुत ही लाजवाब ये पनीर बनी हुई है जो मटर पनीर की रेसिपी है। तो फ्रेंड्स इसको हम सर्व करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स लास्ट में मैं इसमें 1 चम्मच के करीब गरम मसाला डालूंगी फ्रेंड्स और इसका स्वाद जो है लाजवाब हो जाएगा। और इसको हम मिक्स कर लेते हैं और मसाला लास्ट में गरम मसाला डालने को फ्रेंड्स सब्जी बहुत ही लाजवाब और बहुत ही टेस्टी लगती है कि इसका फ्लेवर जो है ना इसमें अच्छे से आ जाता है। तो इसको हम बंद कर देते हैं फ्रेंड्स और सर्व करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं सब्जी को सर्व करके दिखा रही हूँ फ्रेंड्स और बहुत ही टेस्टी देसी अंदाज में और रेस्टोरेंट हिस्सा की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ मेरी मटर पनीर की सब्जी बनके तैयार हो गई है फ्रेंड्स और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी हुई है फ्रेंड्स। एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स। तो मटर पनीर की रेसिपी अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो फ्रेंड्स अगले रेसिपी के साथ आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर फ्रेंड्स।